जय माता दी। दोस्तों, आज अंगुलियों के नाम, अंगुलियों की स्थिति, अंगुलियों का ग्रह संबंध, अंगुलियों का तत्व संबंध और अंगुलियों की लंबाई पर चर्चा करेंगे। या यूं कहूं कि आज मैं आपका परिचय अंगुलियों से कराऊंगा। मैं डॉक्टर विवेक सुराणा, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। अगर आप माइक्रोबायोमिस्ट्री तत्व हस्त्र का सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या उसे समझना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे पहले वीडियो एपिसोड 1 को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए मैं मेरे सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे अंगुलियों के परिचय की। सबसे पहले अंगुलियों के नाम और उनकी स्थिति की चर्चा करेंगे। आइए उसके हस्त मोड़ पर समझते हैं। सबसे पहले अंगूठा, ये है अंगूठा। उसके बाद तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, फिर उसके बाद अनामिका और सबसे आखिर में अंत में कनिष्ठ। इन अंगुलियों का नाम और स्थान, इनमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, कभी भी गुंजाइश नहीं है। अंगुलियों के नाम और स्थान के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि कौन सी अंगुली के लिए कौन सा ग्रह है या कौन सी अंगुली से कौन से ग्रह को देखेंगे। आइए इसको बोर्ड में समझते हैं। यह है अंगूठा, इसे शुक्र को देखेंगे। यह है तर्जनी अंगुली, इसे गुरु को देखेंगे। उसके बाद मध्यमा अंगुली, इसे शनि को देखेंगे। इसके बाद अनामिका अंगुली, इसे सूर्य को देखेंगे। उसके बाद कनिष्ठ अंगुली, इसको बुध को देखेंगे। इन अंगुलियों से इन ग्रहों को देखेंगे और कभी भी इन अंगुलियों में छोटा बड़ा हुआ अनुपात इन ग्रहों के साथ इनका अंगुलियों का ग्रहों का संबंध समझने के बाद आप समझेंगे, अब जानेंगे कि अंगुलियों का तत्व से क्या संबंध है। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं और ये 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतीक है। इसीलिए भारत में हाथों से खाना खाने का प्रचलन रहा है ताकि एक साथ 5 तत्वों का पोषण मिल सके। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में जितने भी अंगुलियों से किए जाने वाले काम है उन सभी के पीछे 5 तत्वों का सिद्धांत ही काम करता है। कौन सी अंगुली से कौन से तत्व को पोषण मिलेगा, ये सब पहले आप जान लें, समझ लें और इन्हें याद रखें ताकि, क्योंकि ये बार बार आगे का आपको काम आता रहेगा। और इन्हें मैं तत्वों के क्रम से बताऊंगा और इन क्रम को आइए बोर्ड पे हस्त बोर्ड पे समझते हैं। यहाँ मैं अंगुलियां तत्वों के क्रमानुसार बताऊंगा और तत्वों को आपके उन्हीं के क्रम के हिसाब से याद रखना है ताकि आपको आगे से आगे समझने में आसानी रहे। सबसे पहले आता है आकाश तत्व, इसको देखता है अंगूठा। उसके बाद वायु तत्व, उसको देखेगी मध्यमा। उसके बाद अग्नि तत्व, उसको देखेगी अनामिका अंगुली। उसके बाद जल तत्व, उसको देखेगा तर्जनी अंगुली। उसके बाद पृथ्वी तत्व, उसको देखेगा कनिष्ठा अंगुली। इन इन तत्वों को इन्हीं के क्रमों से याद रखना है और ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी इन्हीं तत्वों को मैंने अपने सतत परिश्रम से, सतत प्रयासों से निकाला है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और अंतिम रूप देते हुए, अलग अलग अंगुलियां अलग अलग तत्वों का गुण प्रदान होता है या यूं कहें कि अलग अलग अंगुलियों में अलग अलग तत्वों के गुण प्रदान होते हैं और वो अंगुलियां सिर्फ अपने गुणों के हिसाब से या अपने तत्वों के हिसाब से अपना फल देगी। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे कभी भविष्य में कंफ्यूजन नहीं हो। योग मुद्राओं में जो अंगुलियां बताई गई है, जिस क्रम में बताई गई है, तो वो हो सकता है माइक्रोकेमिस्ट्री से तत्व हस्त्रिका से कुछ अलग हो, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ माइक्रोकेमिस्ट्री की जो अंगुलियां हैं, अंगुलियों के जो तत्व बताए गए हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। चर्चा करेंगे अंगुलियों की लंबाई की। यहाँ पे अंगुलियों की लंबाई का एक क्रम है, आपको उसी क्रम में आपको अंगुलियों की लंबाई याद रखनी है। उस क्रम को आइए हस्त बोर्ड पे समझते हैं। सबसे छोटी है कनिष्ठ अंगुली, कनिष्ठा के बाद अंगूठा,
अंगूठा के बाद अनामिका, अनामिका के बाद तर्जनी, तर्जनी के बाद मध्यमा। ये आप, ये अपने कर्म में है, सबसे छोटी से लेके लंबाई तक आपको इसी कर्म में याद रखना है। सबसे छोटी कनिष्ठा, उसके बाद अंगूठा, उसके बाद अनामिका, उसके बाद तर्जनी और उसके बाद मध्यमा। लंबाई के विषय में चर्चा करते हुए थोड़ा सा मैं क्लियर और कर दूं कि सबसे छोटी है कनिष्ठा अंगुली, और कनिष्ठा अंगुली की लंबाई जो होती है वो अनामिका अंगुली के पहले बोर्ड तक होगी। तो ये निश्चित लंबाई है, निश्चित लंबाई पकड़ो, या ये एक सम लंबाई है। इससे छोटी अगर कनिष्ठा होगी तो भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, और अगर इससे कनिष्ठा बड़ी होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो सबसे छोटी कनिष्ठा, और कनिष्ठा की जो लंबाई है वो अनामिका अंगुली के पहले बोर्ड तक, उसके बाद अंगूठा, अंगूठे के बाद अनामिका, अनामिका के बाद तर्जनी, तर्जनी के बाद मध्यमा, उसके बाद ये फिर अपने कर्म में लंबाई चलेगी। माइक्रोफॉर्मिस्ट्री तत्व रेखा में अंगुली के अनुपात का कर्म को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका सम छोटा या बड़ा होना जातक के फलादेश को बहुत ज्यादा परिवर्तित करता है। अगर इसके कर्म को नहीं ध्यान में रखा गया तो जातक का फलादेश कभी भी सही नहीं हो सकता है। जैसे अनामिका अंगुली, जैसे अनामिका अंगुली बड़ी हो, अनुपात में बड़ी हो, बड़ी हो, अनुपात में बड़ी होने का मतलब या तो बड़ी हो या तर्जनी अंगुली से बड़ी हो, तो ऐसे जातक में अग्नि का प्रभाव ज्यादा होगा लेकिन जल का प्रभाव कम भी होगा। तो इसलिए इनके अनुपात को समझना बहुत जरूरी है। आज के एपिसोड में मैंने आपका अंगुली से परिचय करवाया। अगले एपिसोड में मैं आपको अंगुलियों के पौर, अंगुलियों के पौरों का तत्व संबंध, अंगुलियों की गांठ और गांठ के तत्व संबंध के बारे में बताऊंगा। यदि आप माइक्रोबायोमिस्ट्री तत्वशास्त्रिका को समझना चाहते हैं, उसकी गहराई को नापना चाहते हैं, ये तत्वशास्त्रिका माइक्रोबायोमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल को एपिसोड वाइज देखते रहें ताकि आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगे। और मेरी भी ये इच्छा है कि मैं इसे इतने सरल भाषा में समझाऊं ताकि सामान्य से सामान्य आदमी इसे समझ सके, इसे जान सके। और कोई भी नया, भले वो हस्तरेखा या ज्योतिष में नया हो, तो भी इसे, इस विषय को समझ सके। अगर आप माइक्रोबायोमिस्ट्री तत्वशास्त्रिका सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता दी।